सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे मगर कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने पर ऐवान में खिताब, कहा हम किसी से बदला नहीं लेंगे, अदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान चलाएंगे। एक नई सुबह तुलू होने वाली है, एक नया दिन आने वाला है और पाकिस्तान के करोड़ों आवाम की माओं बहनों बेटियों बुजुर्गों नौजवानों की दुआएं काविशें अल्लाह ताला ने कबूल की हैं। मैं यहाँ पर मुत्तहिदा अपोजिशन के अकाबरीन को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इत्तेहाद यकजहती और इंतहाई नज्म ज़ब्त का मुजाहरा किया जिसकी के पाकिस्तान की तारीख में कम मिसाल मिलती है। ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं यहाँ पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन तमाम साथियों ने जेलें काटी हैं। हमारी पहली मरतबा तारीख में ये शायद पहला मौका है कि हमारी बेटियों ने बहनों ने भी जेलें काटी हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो तीन मरतबा वज़ीर आज़म रहे उनको किस तरीके से जेलों में भिजवाया गया। जनाब चेयरमैन, हम माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहते, उनको भुलाकर आगे जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अजीम बनाना चाहते हैं। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें कि एनएन न्यूज़ लाइव।